माँ गोमती तो मंदिर के दर्शन, और ये जागृत वट वृक्ष, पंचमुखी गायत्री, शक्तिपीठ। वास्तव में इस शक्तिपीठ से गायत्री शांति कुंज, हरिद्वार या युग तीर्थ, तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य से कुछ नहीं लेना। ये रास्ता श्री हनुमानगढ़ी को जाता हुआ यहाँ से ऊपर हल्की चढ़ाई के बाद फिर से ढाल, और ये रास्ता इधर श्री राम जानकी मंदिर, राम लक्ष्मण सीता मंदिर जो कि मारवाड़ी समाज द्वारा स्थापित है, और ये वानप्रस्थ नैमिष मठ के बगल से होके सीधे विश्वनाथ पैलेस, आनंद आश्रम, पीछे अश्वमेघ की यज्ञ स्थल श्री रामचंद्र जी ने 10 अश्वमेघ के। दाहिने रास्ते जाता हुआ बिस्तर महादेव, ये श्री जगन्नाथ जी मंदिर का पीछे से दृश्य। ये रोड शॉर्टकट रोड कह सकते हैं, मौसम आज सवेरे से ही काफ़ी इसी तरह का बना हुआ है, भारी धूप पूरी तरह से बिल्कुल नहीं आई। अभी शायद 4 बज रहे हैं करीब, और मौसम देखिए आप देख सकते हैं, हो सकता है कल सवेरे तगड़ी बदली हो, बादल हो, और ये भी हो सकता है कि कल इंद्रदेव अमृत वर्षा नौमी कर सकते हैं, तो समय ही बताएगा। ये एक अस्तबल जहाँ घोड़े रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज तो नहीं दिख रहे अभी। पीताम्बरा सत्संग भवन, पानी की टंकी के बगल से ही मुझे मुड़ना है अब, लेकिन इधर से कोई रास्ता नहीं होने की वजह से ये एक स्थान जो कि किसी बाबा का स्थान लगता है। ये देखिए संवेदनहीनता यूपी टूरिज्म की, जिसकी वजह से ये 2-3 जगह बहुत ज़्यादा गंदगी। एक तो त्रिशूल गद्दी मंदिर,
की तरफ से जो रास्ता सीधे उधर बलराम धर्मशाला होते हुए आदि शक्ति माँ लंका देवी की तरफ बाहर निकलती हुई गली वो, और दूसरा और सामने से ये देखिए अस्तबल में घोड़े चौराहा दाहिने ब्यास गद्दी को जाता हुआ ये वो चौराहा तो नहीं तिराहा कह सकते हैं जहाँ श्री राम साधना आरण्य चाहिए बोर्ड लगा होगा, एक बोर्ड हमारा एक लोकेशन मुझे आज और लगी जैसे लगना चाहिए। बस स्टैंड में निचारे ने मैं वो गेट जिसने मुझे पिछले 5 महीनों से लगातार रास्ता दिया और करीब करीब अभी भी रास्ता देने को तैयार, रोज रास्ता मिलता हुआ श्री चक्रतीर्थ के बाहर के हिस्से के दर्शन। ये वो गोकर्ण महादेव मंदिर साइकिल से वापस लौटते हुए श्री राम साधना आणक और ये उदेश्वरनाथ महादेव मंदिर के शिखर के दर्शन।